हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्ट्रीम। सॉरी गाइस फॉर स्ट्रीम लेट हो रहा है, आधा फाइट हो चुका है, बट सॉरी स्ट्रीम में इंटरनेट इशू आ गया था, सो लेट स्ट्रीम स्टार्ट हुआ। ओके, यहां पर इनवाइटेड टीम में से चंगड़ी कोचिंग की है और यहां पर उन्होंने 8 किल्स ले चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कोर था की कोचिंग की है। यहाँ पर सी ई एस के बंदे यहाँ पर स्कॉड आउट होल्ड करते बैठे। यहाँ सिप पे है कार्नेटेड प्लाटेटिक्स लाइक सी। उन्होंने जंगली के बंदे को स्पॉट तक कर लिया है, क्या नॉक निकलते यानी लेट्स सी। यहाँ पर टीम 21 के कृष्णा ने एक बंदे को नॉक किया है, ओवर जी के बंदे को एक नॉक कर दिया है उन्होंने। लेट्स सी क्या रस करेंगे क्या उनके बंदे। ओजी के एक नॉक हो चुके हैं। डेक्स्टर यहाँ पर रिवाइव देके बाकी के बंदे कवर देने की कोशिश। सेक आउट पे है एस के SLR प्लस 4X। लेट्स सी क्या ये नॉक निकाल पाते हैं क्या। ऐसा यहाँ पर UMP.45 लेके पीछे बैठे हुए हैं, देखते हैं इनका क्या माइंडसेट रहता है। अभी टेक्स्टर पे M16 प्लस 4XL और यहाँ पर पैराडॉक्स ओपन में स्पॉट के नॉक निकालेंगे, बट 1 HP छोड़ा उन्हें और ट्रेड फायर आते हुए सामने से। ओके, एक्स वन क्रू बंदे ने नॉक निकाला है। Where is okay. राइजन ने एक नॉक निकाला था मेरी फोटो से, बट रिवाइव हो चुके हैं बंदे। और यहाँ पर बंदे ने डायरेक्ट एग्रेसिव पुश देखते हुए 3 बंदे रस कर चुके हैं, एक नॉक निकाले गए। ओके, नो मर्सी को नॉक कर दिया है। एक बंदा बालकनी से ऊपर से कवर फायर देने की ट्राई कर रहा है ताकि नॉक फिनिश ना कर सके। और यहाँ पर लेट्स सी क्या माइंड सेट रहता है X1 क्रू के बंदों का। और यहाँ पर मेड का पिन खींच लिया है और नो मर्सी के बीस्ट यहाँ बैठे हुए, और इन पे हेलमेट नहीं है तो एडवांटेज होगा, बट इन्होंने एक नॉक निकाल लिया है। नाइस, यहाँ पर पीछे से कवर आएगा राइजन का मिनी 14 से। लेट्स सी क्या ये पीछे से नॉक निकाल सकते हैं एस्ट्रो को। लेट्स सी, और पीछे से थर्ड पार्टी होते हुए इल्यूशन एक्स के बंदे सैटन ओपी ने डाउन किया है एक बंदा। नो मर्सी विश को भी डाउन कर चुके हैं। और यहाँ पर लेजी का लोटस ग्रेनेड ऊपर जाते हुए, क्या कोई बंदा नॉक होता है। नहीं, किसी को डैमेज भी नहीं होगा। यहाँ पर बीस्ट को रिवाइव मिल रहा है और एक्शन क्रू के बंदा घुस रहा है, एक नॉक निकाले गए। एस्ट्रो एक नॉक निकालते हुए यहाँ पे देखते हैं 1v1 फाइट है कौन। ओके, पीछे से लेजी ने आके इन्हें डाउन कर दिया नाइस। और यहाँ पर पोचिंग की वो फाइट्स हो रही है। ओके, टीम जंगली वर्सेस टीम CES। टीम जंगली के 2 ही बंदे जीवित है 9 किल से इन पर, जंगली गोकू और एक 7 मरीन बोट। यहाँ पर CES के पास मैन एडवांटेज ज़्यादा है। लेट्स सी के जंगली को वाइप आउट कर पाएगी। लेट्स सी बाकी की टीम्स का। ओके, रोज़ोक पर अभी भी फाइट चल रही है।
ओके यहाँ पर इन्होंने GX की स्क्वाड को स्क्वाड वाइप कर चुके हैं, OG के बंदे जिनसे फाइट ले रहे थे। ओके चार किल इन्होंने अपना नाम कर लिया है, जोन बन चुका है, बाकी सारी टीम्स को जोन में आना है। टीम डॉन की स्क्वाड रिमोट साइड से जोन रोटेशन के लिए निकलेगी अभी। टीम डॉन के दो ही बंदे जीवित है, बाकी के दो बंदे फाइट में लॉस हो गए थे। यहाँ पर टीम आई एम एस अपना रोटेशन मारते हुए और सामने ही टीम 17 है, एक्सकॉर्ड की टीम। क्या ये बंदा स्कोर कर पाता है? टीम V2 के रीतिका निकलते हुए यहाँ पर सामने से डाल दिया, लेकिन वॉन्ट टू किल की टीम का कल बेहतरीन प्रदर्शन था चमक मैच में। देखते हैं आज एक और चिकन निकल पाते हैं क्या वॉन्ट टू किल की टीम। और यहाँ पर रोटेशन क्लैश हो सकता है IMS के साथ वॉन्ट टू किल का। लेट्स सी IMS के अंदर स्पॉट कर पाते क्या। CES के बंदे ने जंगली के एक बंदे को पिक कर चुका है विथ नेड, अब क्या रस देखने को मिलेगा यहाँ पर देखते हैं। जंगली गोकू अकेले बंदे यहाँ पर जंगली की साइड से जीवित है। लेट्स सी यहाँ पर CES के गोको एक और नेड करते हुए ऊपर ट्रिपल स्टोरी में थानोस रस कर चुके हैं, पर वहाँ पर गोकू नहीं है, गोकू है यहाँ पर गैरेज के पीछे। गोको का मौका है यहाँ से फॉरवर्ड करने का अगर चाहे तो, बट सीध उनके पास आ चुके हैं। लेट्स सी 1v1 ओके इन्हें स्पॉट नहीं किया गया है, स्पॉट नहीं किया गया है। वहाँ पर IMS स्मोक ने एक नॉक निकाला है YTG के बंदे को। लेट्स सी ओके CES के थानोस ने जंगली कोको को खत्म कर दिया, वैसे जंगली का स्कोर वाइप हो चुका है। यहाँ पर प्याज गेमिंग YT वर्सेस IMS देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कौन ये मैच निकालता है, कौन ये फाइट निकालता है। सॉरी गाइस पीछे से थर्ड पार्टी हो सकती है वॉन्ट टू किल के द्वारा, अगर चाहे तो ये थर्ड पार्टी कर सकते हैं। रितिका एक अच्छे से एंगल में, यहाँ पर टीम डेमन भी आ चुकी है। लेट्स सी पहले यहाँ पर स्मोक किया जाएगा खुद के बचाव के लिए। यहाँ पर केशव पंचाल को नॉक एंड फिनिश कर दिया है और IMS सबसे पर दो किल से V2 के रीतिका ने डेमन डेमन के वॉरलोड ओपी को नॉक कर दिया है और रीतिका खुद नॉक हो चुके हैं यहाँ पर। लेट्स सी देखते क्या होता है। अभी नेट्स हो रहे हैं IMS और प्याज में YT की वर्सेस में। लेट्स सी कौन ये फाइट निकालता है और जादूगर का एक बेहतरीन नेट का नॉक होगा कोई नहीं, और YTG के रेडर ने नॉक कर दिया है V2K के रितिका को, नॉक एंड फिनिश कर चुके हैं। यहाँ पर बेहतरीन स्प्रे लेने की कोशिश, बट बुलेट कनेक्ट नहीं हो। यहाँ पर IMS क्रेजी ने DP से नॉक कर दिया है, वॉन्ट टू किल का स्कॉर वाइप हो चुका है यहाँ पर। लेट्स सी अब डाउन का स्कॉर, प्याज गेमिंग YT और IMS का स्कॉर यहाँ पर जीवित है। लेट्स सी कौन ये मैच निकालता है। IMS के पास टोटल 6 किल्स है, टीम जादूगर के पास 2 किल्स है और डेमन के पास 1 किल है। 38 पीपल अलाइव, 12 टीम इज अलाइव। लेट्स सी नेक्स्ट सर्कल कहाँ पर बनता है और बंदे कैसे अपना माइंड सेट रख के जोन में जाते हैं। यहाँ पर स्मोकी ना डेमन के स्क्वाड को यहाँ पर स्पॉट कर चुके हैं। ऑक्सी सॉरी गाइस इट्स ऑक्सी स्मोकी ऑक्सी कंफ्यूजन हो जाएगा। ये फाइट अभी बहुत लंबा चलेगा लग रहा है। लेट्स सी अननोन के बंदों ने नॉक किया है, कहाँ फाइट चल रही है। ओके ये अननोन के स्कोप ही यहाँ पर
फायरिंग देखो वो, लेट्स सी। रेड्स ने सीरीज के गोगो को नॉक कर चुके हैं, लेट्स सी। या फिर अननोन के स्कूप वर्सेस थैनोस है, और थैनोस उसी से ये फाइट निकाल चुके हैं गाइस। अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए रेडी है एक्सफोर्ड की टीम, क्या यहाँ पर थर्ड पार्टी देखने को मिलेगी? यस, और बोलते हुए उनके हमले गाइस यहाँ पर ऑल पे कॉल दिए जा रहे हैं। ओके सी, यहाँ पर कार 98 से रैंडम फायर शॉट देते हुए उन्होंने शायद एक्सफोर्ड के टीम को स्पॉट कर चुके हैं, बट वो निकल रहे हैं। अब यहाँ से अलग से क्या होता है, बट अभी वो नहीं निकलेगे, उन्हें भी पता चल गया उनके पीछे टीम्स एक टीम आ चुकी है। सो लेट्स सी ये फाइट लेते हुए क्या करते हैं। एक्सकॉर्ड के टीम एक एम के साथ खड़ी है, एक एम प्लस जी है इनके पास, और एक नॉक निकाला है थैनोस ने डेविल का। लेट्स सी अभी इनका क्या माइंड सेट रहता है, 2v4 सिचुएशन है, रस तो नहीं करेगा ये। ओके थैनोस के पास टोटल 6 किल्स है अकेले के ही, टीम किल्स है 6 किल्स है, और वो अकेले किल्स थैनोस के। वेल प्ले बाय थैनोस। सारी टीम सभी जोन में है, 35 पीपल अलाइव है और 11 टीम्स अलाइव है। लेट्स सी ये मैच का चिकन डिनर कौन लेके जाता है। ओजी की टीम सेंटर कंपाउंड रोल करके बैठी है, यहाँ पर है ना कोई वोट। राइट साइड से फ्लैंक मारने की शायद कोशिश करेंगे, और यहाँ पर थैनोस ऑलरेडी फ्लैंक मार चुके हैं, क्या ये सरप्राइज एलिमेंट बन सकते हैं क्या इनके लिए? लेट्स सी। ओके अभी स्पॉटेड नहीं है एक्सकॉर्ड किंग के बीच में सेट आ रहा है, अच्छी क्या करते हैं यहाँ पर ये। पायरेट्स यहाँ पर यूएम पे डॉट 45 M16 चला रहे हैं, डेविल पे M4 है, M4 प्लस एक है। ओके X1 के भी बंदे यहाँ पर नीचे वाले कंपाउंड में आ चुके हैं वन हाउस में, अगर ऊपर थोड़ा भी फाइट होता है तो उनको गन साउंड आ जाएगा और पता चल जाएगा कि दो टीम्स फाइट ले रही है, और वो शायद थर्ड पार्टी करने आ सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे फाइट एंगेज होती है। अभी कोई भी टीम्स फाइट नहीं ले रही है, अब जोन शिफ्ट मार चुका है पूरा क्वेरी के साइड। लेट्स सी सारी टीम्स को जोन में आना होगा, सिर्फ एक ही टीम जोन में है, टीम 11। लेट्स सी टीम 11 अकेली जोन में है, बाकी सब टीम्स को जोन आना है, और यहाँ पर एक टीम ने फ्लेयर चलाई है, आई थिंक तो वो X1 के बंदों ने चलाई है। यहाँ पे देखते हैं IMS वर्सेस अभी तक छुट्टी हूँ, क्या सीमिंग वाइटी हो रहा था क्या? ओके कौन निकल रहा है भक्ति लेके, जादूगर अपना भक्ति सेव कर रहे हैं ना कि फॉल बैक। लेट्स सी कौन सी टीम यहाँ से फॉल बैक मारेगी, और यहाँ पे OG वर्सेस टीम 11 हो चुका है, और एक बंदे नॉक हो चुके हैं, एम लॉक और नॉक एंड फिनिश हो गए यहाँ पर सफ़ीर के द्वारा, और यहाँ पर ओजी के डेक्स्टर स्पॉट हो चुके हैं, एक हेडशॉट पड़ चुका है एम4 का। लेट्स सी क्या होता है अभी।
सेवन अपने टीममेट से काफी दूर है। यहाँ पर जी गॉड, हेसा और डेक्स्टर जीवित है और फॉलबैक मारते हुए यहाँ पर डेक्स्टर। वहाँ पर पीछे सीईएससी की फाइट हो चुकी है। ओके, थैनोस को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है। यहाँ पर लेट्स सी, यहाँ पर अकेले सी रस करना चाह रहे हैं क्या? वहाँ पर ना सेवन भी उनके टीममेट्स की साइड आ गए। पूरा इनको यहाँ पर सैंडविच पोजीशन करने का ट्राई किया गया है। जी गॉड और डेक्स्टर यहाँ से निकलने का ट्राई करते हुए बट यहाँ पर स्पॉटेड रह गए। लेट्स सी, एकेएम स्प्रे मारते हुए बट कनेक्ट नहीं हुई गोलियां। शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। लेट्स सी क्या होता है अभी, आगे देखते हैं। यहाँ पर पायरेट्स के काफ़ी करीब आ चुके हैं। सी अकेले ही 1v4 फाइट लेने जाते बट पीछे से आके डेविल ने उन्हें ख़त्म किया। X1 का क्रू अपना रोटेशन मार रहा है, 4 किल्स है उनके पास। यहाँ पर X4 की टीम के पास 3 किल्स है, वो भी अपना रोटेशन मारना चाहेगी। यहाँ पर प्यास गेमिंग वाइटी यहाँ से फॉल बैक कर चुकी है। यहाँ पर IMS की टीम भी अपना रोटेशन स्टार्ट कर चुकी है। लेट्स सी क्लैश होता है, यानी जोन के अंदर बहुत सारी टीम्स अभी लेट रोटेशन दे रही है। सो लेट्स सी क्या होगा। जादू पर और वाइट टी जी रेडन एक छोटे से सेट में होल्ड करना चाहेंगे। यहाँ पर टीम डेमन वर्सेस टीम इल्यूजन एक्स हो चुका है। लेट्स सी, कूल ने दो बंदों को मारा और इल्यूजन एक्स आई थिंक सो वाइप आउट हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर टीम डाउन वर्सेस टीम डेमन हो चुका। डाउन के घोस्ट एक नॉक हो चुके हैं, रिपर अकेले जीत है। और यहाँ पर डेमन के एक और बंदे को नॉक किया है रिपर ने। और यहाँ पर टीम डाउन नॉक एंड फिनिश बाय टीम डायमन। टीम डायमन के कूल अपना अलग ही एंगल, दूर से अलग एंगल सपोर्ट दे रहे थे और यहाँ पर टीम डाउन को वाइप आउट कर चुके हैं टीम डायमन। लेट्स सी X1 क्रू वर्सेस किसका फाइट चल रहा है। यहाँ पर X1 क्रू ने एक स्क्वाड वाइप की है। वी डोंट नो कौन सी स्क्वाड वाइप की उन्होंने, थोड़ा सा लेट हो गया देखने में। और एक और जोन बन चुका है। IMS के बंदे जोन में, सारे बंदे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, सिर्फ ऑक्सी अकेले जीवित है। वैसे ये ऑक्सी ये फाइट्स निकल पाते हैं या नहीं। ऑक्सी जोन में भी और टीम प्यास के नहीं बैठी, नॉक हो चुका है X1 क्रू लेजी का ज़्यादा। लेट्स सी X1 क्रू का परस्पेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर M4/6 एक्सप्रे चला रहे थे। यहाँ पर रेडन को भी स्पॉट कर चुके और जादूगर भी स्पॉटेड है। और यहाँ पर एक और नॉक रेडन को भी नॉक कर चुके हैं, जादूगर अकेले बचे। और यहाँ पर ओके एग्रेसिव पोज देखने को मिलेगा क्रेजी बॉट के द्वारा। लेट्स सी क्रोजा वैसे M4 था बट नॉक निकाल दिया है क्रोजा से उन्होंने। देखते लेजी कैसा कवर दे पाते। अगर गन रीलोड पे जाएगी तो जादूगर आके तुरंत फिनिश करके चले जाएंगे लेजी को। लेट्स सी क्या करते। और यहाँ पर लेजी भी क्लोज अप। ओके ओके, लिटरली 1 HP बच गए यहाँ पर जादूगर। लेट्स सी फर्स्ट एड लगाएंगे पहले तो वो, और प्याज गेमिंग वाइटी को रिवाइव भी देना है, सो रिवाइव दे देंगे। लेट्स सी यहाँ पर लेजी भी अब अपने बंदे को रिवाइव देना पसंद करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पे देखते हैं टीम 11 क्या कर रही है अभी भी जोन में ये टीम मिला। ओके डायमन फूल ने जादूगर को नॉक किया पीछे से। टीम 11 ने थर्ड पार्टी करके टीम प्यास गेमिंग वाइटीज नॉक आउट बाय टीम 11। और एक्शन क्रू के लेजी नॉट है नॉक हो चुके हैं। HT के क्रेजी बॉट आगे स्मोक करेंगे और नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं लेजी। और यहाँ पर डायमंड कूल भी नॉक हो चुके हैं टीम इलेवन के द्वारा। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर टीम 11 को बेहतरीन 3 किल्स मिल रहे हैं यहाँ पर जोन के बाहर के टीम्स के। लेट्स सी बहुत ही बढ़िया पोजीशन में टीम 11 7 किल्स ले चुकी है। यहाँ पर IMS ऑक्सी भी स्पॉटेड रहेगा इनको।
और यहाँ पीछे से टीम टेंसेंट आके टीम 11 को बैकस्टेप कर सकती है अगर चाहे तो। टीम 9 के बंदे को देख तो ऑजी डेक्सटर अकेले जीत है, ट्रिपल स्टोरी होल्ड करके बैठे हैं, बट ट्रिपल स्टोरी जोन बनी है। और टीम 11 को भी अभी जोन के लिए रोटेट करना होगा क्योंकि जोन क्रूजिंग हो रहा है इन 38 सेकेंड्स। सो आई एम एस ऑक्सी भी जोन बनी है, टीम टेंसेंट जोन में यहाँ पर क्रेजी वॉट को स्पॉट किया है। सेल्वी अपने डीपी से शॉट्स ले रहे हैं बट एक भी शॉट्स कनेक्ट नहीं हुआ। लेट्स सी सीनियर ऑक्सी को स्पॉट कर चुके हैं, उनका गाड़ी पंचर था लेके शायद। डायमंड ब्लिट्स स्पॉटेड रह गए 48 सेकंड को यहाँ पर। और यहाँ पर अगर जो लूटने गए तो डायमंड के बंदे डायमंड ब्लिट इन्हें नॉक एंड फिनिश दे सकते हैं। लेट्स सी ओके ये जैसा मैंने बोला था अगर ओपन लूट करने जाएंगे तो नॉक एंड फिनिश मिलेगा यहाँ पर डायमंड ब्लिट के द्वारा, और फिर नॉक एंड फिनिश मिलेगा। लेट्स सी उनके टीममेट्स अभी भी जोन में है सो उन्हें रिवाइव मिल सकता है। डायमंड ब्लिट नॉकआउट हो गए जोन के द्वारा और उसी के साथ डायमंड की स्क्वाड एलिमिनेट हो गई है। यहाँ पर सैफिर भी नॉकआउट हुए थे और फिनिश हो चुके हैं। टॉप 3 टीम्स है, टीम टेंसेंट, टीम 11, टीम ओजी। ओजी के बंदे जोन में अभी जोन के बाहर है, सॉरी गाइस। डेक्स्टर 3 किल्स लेके बैठे हैं अपनी टीम के लिए, 0 फर्स्ट एड पे। और यहाँ पर टेंसेंट के सीनियर ने एक बंदा नॉक निकाला है, फनीसर ने एक बंदा नॉक निकाला है। लेट्स सी टीम 11 के ऊपर एग्रेसिव पुश होते हुए। लेट्स सी यहाँ पर क्या नाम है, रचित, आई थिंक सो रचित है, ये रिवाइव दे रहे हैं अपना बंदे को। और यहाँ पर नीड्स आते हुए ओके 1 HP कर दिया है रचित को, 1 मिनट से 7 नॉक हो चुका है। और 1v3 फाइट है ओजी डेक्स्टर वर्सेस टीम टेंसेंट। लेट्स सी कौन ये फाइट निकालता है। और डेक्स्टर ने स्पॉट कर लिया टीम टेंसेंट के बंदों को, डेक्स्टर जोन में आ गए, जोन से 1 मीटर दूरी पे। लेट्स सी टेंसेंट के बंदों ने भी उन्हें स्पॉट कर चुका है। और यहाँ पर टीम टेंसेंट चिकन डिनर लेती हुई खुद पर ही मॉली कर दिया लास्ट मैच।